टूंडला पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवकों को एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास करते हुए किया गिरफ्तार। बता दें, मामला फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित HDFC बैंक एटीएम का है, जहां देर शाम को दो युवक बाइक पर एटीएम से रुपए निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी एटीएम पर तैनात गार्ड राघवेंद्र पाल ने युवकों को टोका तो उन्होंने अपने एक अन्य साथी को भी बुला लिया और गार्ड से झगड़ा करने लगे। इसके पश्चात गार्ड राघवेंद्र पाल ने इसकी सूचना तत्काल थाना टूंडला पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में तलाशी ली। वहीं युवकों के पास से करीब 15 से 20 एटीएम कार्ड बरामद किए। इस पर पुलिस ने तीनों युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लेकर थाने ले आई और गंभीरता से मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं पकड़े गए युवकों का कहना था कि वह किसी कंपनी में कार्य करते हैं, जिसका कमीशन उनके खाते में आता है, उसे निकालने के लिए वह एटीएम पर आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। HDFC बैंक के आप यहाँ पे जो तीन चार लड़के आए थे, वो क्या मामला और जो पुलिस उठा के ले गई है, वो मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। इन पे ये था कि 25-30 कार्ड थे, वो कुर्सी पे बैठ के पैसा निकाले, उनको मैंने टोका। मैंने कि इतने भाई आपका कैसे कार्ड है, तो उन्होंने बताया मुझे कि हम कंपनी में ठेकेदार हैं, तो इसलिए ये कार्ड कमीशन है हमारा। मैंने भाई मेरी बैंक में तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, उन्होंने 3-4 कार्ड अलाउ होते हैं, बस ज़्यादा मत करना। तो वो मुझ पर हिटने लगे तो फिर मैंने नितिन सर को बात की, अभी फ़ोन आ रहा है, तो मैंने उनसे भी वो बोले को पुलिस को बुला दूँ। तो मैंने कि ठीक है पुलिस को, तो ये बच्चा आ गया, तो एक लड़का और आया, वो धमकाने लगा मुझे। मैंने कि भाई धमकाओ मत ही, और मैं भाई पुलिस को बुला लूँगा, अपना बात कर लेना। तभी उनने पुलिस को फिर भाई ये पुलिस कर ली, गार्ड मेरे साथ भी आ गया, धमका रहे आए, ये रूम कैसे है बैंक में, हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे। जब पुलिस आई है तो कितने लोगों को ले गई यहाँ से? तीन आदमी। कौन सी गाड़ी से थे? पल्सर।